अगर आप बाइक्स के शौकीन हैं और बाइक्स को लेकर आपकी खास रुचि कुछ ब्रांड्स में है तो ये खबर आपके लिए काम की है। लोग यामा की RX 100 के दीवाने अब भी हैं और यामा की बाइक्स को पसंद करने वालों के लिए उसके फीचर्स हमेशा से ही उसे लुभाते आए हैं। यामा ने ग्लोबल मार्केट में अपनी लेटेस्ट लुक वाली बाइक यानी कि यामा XSR 900 से पर्दा उठा लिया है। यामा ने अपनी इस बाइक में नए लुक को इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक कई अपडेट दिए हैं। साथ ही साथ जब इसे पेश किया गया तो इसकी पेशकश में कई सारी चीज़ें भी कंपनी ने बताई है। कंपनी ने इसमें गोल्डन फ्रंट चौड़े हैंडल बार पेश किए हैं। नई बाइक के लिए फ्यूल टैंक को भी नए तरीके से तैयार किया गया है। साथ ही टेल सेक्शन में भी मामूली बदलाव किए गए हैं। इस बाइक को कंपनी ने दो वेरियंट में उतारा है, या यूँ कहें दो कलर हैं इसके, एक है लेजेंड ब्लू, दूसरा मिडनाइट ब्लैक। यामा की इस बाइक में एल्यूमिनियम फ्रेम से अपडेट किया गया है और हैंडलिंग में भी सुधार किया गया है। एल्यूमिनियम फ्रेम के चलते बाइक को हल्का वजन मिलता है। कंपनी का दावा है कि अपडेटेड फ्रेम के चलते हैंडलिंग में भी सुधार आया है। एल्यूमिनियम फ्रेम से ही यामा की इस बाइक को कर्वी टफनेस मिलती है। लुक की बात करें अगर तो इसका डिज़ाइन 70 के दशक से प्रेरित डिज़ाइन है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इसकी कीमत मार्केट में सबके सामने खुलकर नहीं बताई है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यामा के इस बाइक में 890 cc का इंजन है जो पिछले वर्जन से ज़्यादा है। पुरानी बाइक के मुकाबले इसमें 4 BHP अधिक का पावर मिलता है, जिसके बाद यह कुल 177.3 BHP पावर की हो जाती है। अपडेटेड पावर वेंट के अलावा ब्रेकिंग सेटअप और ब्रेम्बो रेडियम मास्टर सिलेंडर के साथ इसे अलग तरीके से अब मार्केट में उतारा गया है और बेहतर बनाया गया है। कंपनी ने इस बाइक में 3.5 इंच का TFT स्क्रीन भी दिया है जो पुराने मॉडल के LCD की जगह लेता है। कंपनी ने 4 नए राइड्स को भी शामिल किया है। सेंसिटिव टैक्सेशन कंट्रोल के साथ साथ स्लाइड और व्हील कंट्रोल को शामिल किया गया है। कंपनी ने नई बाइक के व्हील बेस में भी बदलाव किया है जो पुराने वेरियंट्स की तुलना में लंबा है और यूजर्स को ज़्यादा फायदा देता है। लाइट्स के सिलेक्शन की बात करें तो कंपनी ने इसमें ज़्यादातर लाइट्स को LED लाइट्स के वेरियंट में ही दिया है ताकि यूजर्स को लाइटिंग सिस्टम मिल सके।